This story is brought to you by tapeatale.com. बॉलीवुड के एक महापुरुष कुछ सालों पहले कह के गए कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं। एंड एज अ चाइल्ड आई वुड ऑलवेज बिलीव कि एक दिन मेरी भी लाइफ में ऐसे एक राहुल आएगा और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की मैरिज को आइडियलाइज करती थी। व्हेनेवर समवन आस्क मी कि मेरी मराठी इतनी अच्छी कैसे, जबकि मैं सरनेम क्लियरली स्टेट से मैं गुज्जू, मैं बड़े इतरा के कहती थी कि माई मॉम इज़ अ महाराष्ट्रन कौमा और मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी, फुल स्टॉप। उस पर उनका ओ वाला रिएक्शन ना मुझे गिगल कराता था। इट वुड मेक मी बिलीव कि माई पेरेंट्स इज लव स्टोरी इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। बट एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज कि मेरे आसपास राहुल तो है पर राज भी क्यूट है। प्रेम से तो प्रेम हो ही जाएगा और आके दुनिया में है अगर रोहित से प्यार ना किया तो क्या किया। मैं टीनेज में पैर रख ही चुकी थी कि मेरे और मॉम के गॉसिप सेशंस बढ़ने लगे। आई वुड टेल हर अबाउट द क्लासमेट्स आई हैव अ क्रश ऑन एंड शी वुड आस्क मी टू टेक इट स्लो। वो हमेशा यही कहती थी कि बॉलीवुड मूवीज में ना प्यार कैसे होता है वो तो दिखाते हैं, पर उसे निभाते कैसे ये किसी को पता नहीं होता। आई वुड ऑलवेज वंडर कि मेरी मॉम जिसने खुद शादी की प्यार के लिए, उसकी इस ब्यूटीफुल फीलिंग को लेकर इतने अनरोमांटिक ओपिनियंस कैसे हो सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ मेरे खुद के ओपिनियंस और मेरे पेरेंट्स का प्यार दोनों बदलने लगा। उनके बीच बढ़ती दूरी देख के मेरा वो आइडियल लव वाला डेफिनेशन भी दूर हो रहा था। माई गॉसिप सेशन विद माई मॉम चेंज फ्रॉम आई वॉन्ट टू हैव अ मैरिज लाइक यू टू आई माइट नेवर वॉन्ट टू मैरी। और फिर मेरे 16th बर्थडे के 2 महीने बाद सब बदल गया। माई डैड डिसाइडेड कि वो हमसे दूर ज़्यादा खुश रहेंगे एंड माई मॉम लेट हिम गो। मेरे डैड जाने के बाद मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था। आई वुड स्पेंड आवर्स टॉकिंग टू माई मॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या था जो फिक्स नहीं हो सका, ऐसा क्या था जो उनके प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो हमेशा यही कहती थी कि प्यार को बांधा नहीं जा सकता, लव एंड फ्रीडम आर लाइक अ वेइंग स्केल और जहाँ पे एक भारी हो जाता है वहाँ दूसरा हार जाता है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर माई पेरेंट्स सेपरेटेड हमारी इस डिसफंक्शनल फैमिली में बहुत चीज़ें बदली। मेरी मॉम खुश रहने की कोशिश तो करती थी बट हर स्वोलन आईज वुड से अदरवाइज। शी हैड स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ एज इफ वो किसी ऑब्लिगेशन में जी रही थी ताकि माई ब्रदर एंड आई वी डोंट लूज बोथ आवर पेरेंट्स एट द सेम टाइम। I would always convince her to find love again if not marry, और वो हमेशा यही बोल के बात टाल देती थी कि मैं एक हार्टब्रेक से उभरने के लिए दूसरे हार्टब्रेक के पीछे नहीं भाग सकती। और हमें धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि हर लव फॉर अस वॉज स्टॉपिंग हर फ्रॉम एम्ब्रेसिंग द फ्रीडम शी डिजर्वड। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हमने ये डिसाइड किया दैट शी नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अस। एंड 2 months आफ्टर हर 44th बर्थडे शी मूव टू अ डिफरेंट सिटी टू डू अ जॉब शी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। खैर वहाँ जाके उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा बट उसकी पुरानी लाइफ से थोड़ा दूर होके उसे वो चीज़ दोबारा मिल गई थी जिसे उसने ढूंढना ही छोड़ दिया था। इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स उसकी आंखों में वो खुशी दिखने लगी थी। शी स्टार्टेड स्माइलिंग अगेन। वो शॉपिंग क्या करती थी मुझसे जल्दी उसका काजल खत्म होता था एंड शी नाउ हैड अ फेवरेट लिपस्टिक शेड। वो वीडियो कॉल्स पे गाने गुनगुनाती थी, मुझे दिन भर हजारों सेल्फीज भेजती थी एंड शी वुड ब्लश लाइक अ टीनेजर। और मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि आज तक एक्चुअली मैंने अपनी मॉम को इतना खुश देखा ही नहीं था। शी हैड फॉलन इन लव अगेन। उसका वो लव और फ्रीडम वाला तराजू फाइनली बैलेंस हो गया था। वो उसे हमेशा कहती थी ना कि प्यार को बांधा नहीं जा सकता, लव इज सपोज टू सेट यू फ्री। सो डैड के जाने के 6 साल बाद लव फाइनली सेट हर फ्री। उसे प्यार हो गया था दोबारा और ये प्यार किसी इंसान से नहीं था, ये प्यार था उसकी खुद की आज़ादी से। और उसका ये नया प्यार बहुत अलग था, ये कोई बॉलीवुड मूवी जस्टिफाई नहीं कर पाती। ये प्यार किसी इंसान या रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट नहीं था। द सेल्फलेस लव दैट टुक ऑल द स्पेस इन हर हार्ट हैड फाइनली मेकिंग प्लेस फॉर हर ग्रोइंग सेल्फ लव। नाउ इट्स बीन 8 years दैट माई मॉम गॉट अ फ्रीडम एंड 2 years सिंस शी फेल इन लव विद इट। और आज जब कोई मेरा नाम पढ़ के मुझसे ये पूछता है कि मेरी मराठी इतनी अच्छी कैसी है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि माई मॉम इज़ अ महाराष्ट्रन, फुल स्टॉप। और मेरी इसी सुपर कूल मॉम की लव स्टोरी ये भी प्रूव करती है कि शायद आपको लाइफ में कोई राहुल, राज, प्रेम, रोहित मिले या ना मिले, पर खुद से प्यार करने का रीज़न ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉलीवुड जैसे लव स्टोरी को ओ वाला दर्जा शायद नहीं मिलेगा पर आपकी खुद से प्यार की कहानी विल डेफिनेटली बी वन ऑफ इट्स काइंड। थैंक यू।